सब्सक्राइब कीजिए ऑनलाइन कंसेप्ट यूट्यूब चैनल को और रेगुलर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाइए। हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन कंसेप्ट। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ CDS 2 2017, जिसमें आपको सारा इन्फॉर्मेशन दूंगा, इससे रिलेटेड सारा जानकारी दूंगा। तो इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि नोटिफिकेशन कब आने वाला है, एग्ज़ाम कब होने वाला है, आपका एज लिमिट क्या होना चाहिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है और कौन सा पोस्ट बॉयज़ के लिए होता है, कौन सा पोस्ट गर्ल्स के लिए होता है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करेंगे हम लोग, एप्लीकेशन फ़ी क्या क्या होगा। यहाँ पे मैंने एक नोट लिख दिया है जिसमें हम शॉर्ट फॉर्म का यूज करेंगे, जिसमें IMA का फुल फॉर्म होता है इंडियन मिलिट्री एकेडमी, उसके बाद OTA का फुल फॉर्म होता है ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी, उसके बाद INA का फुल फॉर्म होता है इंडियन नेवल एकेडमी, उसके बाद AFA का फुल फॉर्म होता है एयर फोर्स एकेडमी। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बता दूँ, ये फॉर्म का जो नोटिफिकेशन आने वाला है वो 9 अगस्त 2017 को आने वाला है। उसके बाद जो लास्ट डेट होगा फॉर्म भरने का वो होगा 8 सितंबर 2017, और जो डेट ऑफ एग्जामिनेशन है वो है 19 नवंबर 2017। और इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ एक ही वेबसाइट से अप्लाई कर सकते हैं, www.upsc.gov.in पे ही जाकर। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट है एग्ज़ाम का एज लिमिट क्या होगा। तो सबसे पहले बता दूं कि अगर इंडियन मिलिट्री एकेडमी IMA का फॉर्म भर रहे हैं तो आपका एज होना चाहिए 19 साल से लेकर 24 साल तक, और नेवल एकेडमी का फॉर्म भर रहे हैं तो आपका एज होना चाहिए 19 साल से लेकर 22 साल तक, और एयर फोर्स एकेडमी का फॉर्म भर रहे हैं तो 19 साल से 23 साल तक होना चाहिए, और OTA का फॉर्म भर रहे हैं तो 19 साल से 25 साल तक आप भर सकते हैं। तो कुछ और इससे डिटेल देख लें एज से रिलेटेड, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप एग्ज़ाम एज लिमिट फॉर IMA, IMA के लिए आपको कितना से कितना साल तक पूरा हो जाना चाहिए, वीडियो पॉज कर आप देख सकते हैं। सेम एज मैं आगे सारा पोस्ट का भी दिखा चुका हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं आप OTA का भी मैंने एक लाल कलर से बता चुका है, मेल के लिए अलग, फीमेल के लिए भी बता चुका हूँ। अब फीमेल के लिए कुछ कंडीशन है, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर फिर AFA का भी मैं यहाँ पर बता चुका हूँ आपको, उसके बाद यहाँ पे NA का भी मैं यहाँ पे बता चुका हूँ। नेक्स्ट है एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या होना चाहिए। एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन में बता दूँ कि अगर इंडियन मिलिट्री एकेडमी या ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपका डिग्री होना चाहिए ग्रेजुएशन कोई भी रिकोगनाइज यूनिवर्सिटी द्वारा। उसके बाद फॉर इंडियन नेवल एकेडमी के लिए अगर फॉर्म भर रहे हैं तो आपका डिग्री जो होना चाहिए वो इंजीनियरिंग का डिग्री होना चाहिए कोई भी रिकोगनाइज यूनिवर्सिटी द्वारा। उसके बाद एयर फोर्स एकेडमी के लिए अगर फॉर्म भर रहे हैं तो आपका डिग्री होना चाहिए ग्रेजुएशन, जो आपका फिजिक्स और या मैथ के साथ आपका ग्रेजुएशन पूरा हो जाना चाहिए, या आपका बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग का डिग्री होना चाहिए। यहाँ पे मैंने एक अच्छे से दिखा दिया यहाँ पे कैसे कैसे होना चाहिए, बेसिक विथ मैथमेटिक्स होना चाहिए नेवल के लिए, OTA और IMA के लिए डिग्री ऑफ रिकोगनाइज यूनिवर्सिटी या इससे इक्विवेलेंट कोई होना चाहिए, या उसके बाद एयरफोर्स एकेडमी के लिए BSc विथ फिजिक्स और मैथ या आपका बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग का डिग्री होना चाहिए। तो नेक्स्ट सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। सिलेक्शन प्रोसेस में आपका रिटर्न एग्ज़ाम होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बेसिस से ही मेरिट लिस्ट का निकलेगा जिससे आपका सिलेक्शन होगा। नेक्स्ट है कि व्हाट पोस्ट यू कैन टू अप्लाई, अगर मैन है तो कौन सा अप्लाई कर सकते हैं और फीमेल है तो कौन सा अप्लाई कर सकते हैं। मैन के लिए IMA और OTA है, नेवी में INA है और एयर फोर्स में AFA है, और वोमेन के लिए सिर्फ एक ही है जो आर्मी में OTA है। नेक्स्ट है रिजल्ट। तो रिजल्ट इस CDS 2 का 2017 का रिजल्ट जो आने वाला है वो जनवरी 2018 के लास्ट तक आ जाएगा। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा। एग्ज़ाम पैटर्न में बता दूँ कि अगर आप इंडियन मिलिट्री एकेडमी के लिए हो या नेवल एकेडमी के लिए हो या एयरफोर्स एकेडमी के लिए हो, तो हर एक के लिए आपका 100-100 मार्क्स होता है, जिसमें इंग्लिश पूछे जाते हैं 100 नंबर का, उसके बाद GK पूछे जाते हैं 100 नंबर का, उसके बाद एलिमेंट्री मैथमेटिक्स पूछे जाते हैं 100 नंबर का, सारा ऑब्जेक्टिव वाइज ही होगा। और ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी के लिए OTA के लिए अगर फॉर्म भरें तो आपका इंग्लिश और सिर्फ जनरल नॉलेज ही होगा जो ऑब्जेक्टिव वाइज ही होता है। अगर ये फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। अप्लाई करने के लिए आपको सिर्फ UPSC के ऑफिशियल वेबसाइट पर ही अप्लाई हो पाएगा, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ।
नेक्स्ट है कि एप्लीकेशन फ़ी क्या होगा। तो इस फॉर्म को भरने के लिए अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं या ओबीसी कैंडिडेट हैं तो आपको 200 रुपये लगेगा, और अगर एसटीएससी या फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपको कोई भी फ़ी नहीं लगेगा। तो थैंक फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।